दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जामनगर में भी जमकर गूंजे धोनी के नारे, पहले की दूल्हा और दुल्हन अनंत और राधिका से मुलाकात, खेला डांडिया, फिर धोनी ने अपनी सादगी से लूट ली पूरी महफिल। तो आखिर धोनी ने ऐसा क्या कर दिया अनंत अंबानी के लिए, जिसके बाद तो उनका फैन बेस उनके सम्मान में झुककर उन्हें सलाम कर रहा है। आखिर कैसे धोनी अंबानी वेडिंग की हाईलाइट बन गए, उस खूबसूरत लम्हे से लेकर महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा कौन सा स्पेशल गिफ्ट दिया न्यू वेड कपल को, सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी, सचिन और रोहित में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जहां जाते हैं छा जाते हैं। जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग समारोह में भी उनका जलवा देखने को मिला है। अनंत मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे हैं। उनकी प्री वेडिंग सेरेमनी में बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत के कई सितारों ने हिस्सा लिया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी इस साल जुलाई में होगी। इस दौरान धोनी की तस्वीरों और वीडियो ने फैंस का दिल जीत लिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें धोनी पत्नी साक्षी के साथ सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए जामनगर पहुंचे। वहां पर दोनों खूब आनंद ले रहे थे। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी को काफी ज्यादा शर्मीला और कम बोलने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, लेकिन मस्ती मामले के अंदर वो किसी से पीछे नहीं रहते। जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी के तीसरे दिन जो वीडियो सामने आया है वो बेहद शानदार है। तीन दिन के कार्यक्रम के दूसरे दिन महेंद्र सिंह धोनी ने अंबानी परिवार के साथ डांस किया और अपना वो खास अंदाज दिखाया जिसे इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। मिस्टर कूल महेंद्र सिंह धोनी जो कभी अपने लुक और कभी हेयर स्टाइल की वजह से चर्चा में रहते हैं, इस वक्त अनंत और राधिका के प्री वेडिंग सेरेमनी में डांडिया की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। श्री मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के साथ धोनी हाथ में डांडिया लेकर डांस करते नजर आए। उनको आकाश अंबानी इंडिया के बारे में कुछ बातें बताते भी नजर आए। धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स में साथ खेल चुके ब्रेवो के साथ जमकर डांस किया। इस दौरान साक्षी ने दोनों का साथ दिया। इसी बीच धोनी ने मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी के साथ भी डांडिया खेला। दरअसल रात में जब म्यूजिकल शो का आयोजन हुआ तो माही हल्के पीले कुर्ते में नजर आए। शायद वो पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिनका मुंबई इंडियंस से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी अंबानी फैमिली के इस ग्रैंड फंक्शन का हिस्सा बने, ये उनकी लॉयल्टी और रुतबे का जीता जागता सबूत था। तो वहीं धोनी ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को भी अपने नए रिश्ते की खूब खूब बधाई दी, उनके साथ तस्वीरें क्लिक करवाई और उन्हें बेहद स्पेशल गिफ्ट के रूप में एक बेहद ही खास तोहफा दिया है। हालांकि वो क्या इसका खुलासा तो नहीं हो पाया, लेकिन जिस अंदाज में धोनी ने न्यू वेड कपल को बधाई दी, उनके साथ मस्ती की और नीता फैमिली के फंक्शन चार चांद लगाए, ये कहना गलत नहीं होगा कि धोनी इस फंक्शन की जान बन गए थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी, रोहित और कोहली में कौन आईपीएल 2024 में अपनी टीम को जीत दिला पाएगा, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर ने लगाए जमकर ठुमके, जिसे देख न केवल पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया बल्कि सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर किस अंदाज में शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर ठुमके लगाते हुए आए नजर, कैसे इन दोनों ने अपने डांस से कर दिया हर किसी को हैरान, कैसा रहा महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर का इन दोनों ब्यूटीफुल कपल के डांस पर रिएक्शन, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत के सबसे अमीर बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में पूरी दुनिया की महान हस्तियों को जामनगर में लाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पूरे विश्व में ये प्री वेडिंग सेलिब्रेशन चर्चा का विषय बना हुआ है। ये सेलिब्रेशन कोई ऐसा वैसा सेलिब्रेशन नहीं बल्कि भारत के सबसे अमीर परिवार मुकेश अंबानी की तरफ से अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में ऑर्गेनाइज किया गया था। गुजरात के जामनगर में जश्न का माहौल छाया हुआ था। अनंत अंबानी और राज्य का मर्चेंट के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए केवल बॉलीवुड जगत ही नहीं बल्कि देश दुनिया के बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची हुई थी। इस समारोह में बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सितारों ने ठुमके लगाए। वहीं बिजनेसमैन के अलावा कई मौजूदा और पूर्व क्रिकेटर भी जामनगर के प्री वेडिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेते दिखे। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जामनगर पहुंचे, वहीं सचिन तेंदुलकर अपनी फैमिली के साथ नजर आए। इतना ही नहीं, जहीर खान भी इस समारोह में दिखाई दिए। वहीं ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और कई विदेशी खिलाड़ी भी समारोह में हिस्सा थे। इस प्री वेडिंग शूट को चार चांद लगाने के लिए हर कोई समझ में पहुंच चुका था, लेकिन समझ ने तो हर किसी का दिल जीत लिया। साथ ही साथ जब भारतीय युवा खिलाड़ी शुभमन गिल और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को एक साथ इस समारोह में देखा गया तो यहाँ तो हर कोई दंग रह गया। इतना ही नहीं, इन दोनों ने इस समारोह
समारोह में ब्यूटीफुल कपल लुक में नजर आ रहे थे। सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल हर जगह प्री वेडिंग समझ में एक साथ साथ दिखाई दिए। जब हर कोई इस समारोह में ठुमके लगा रहा था तो ये दोनों भी अपने आप को रोक नहीं पाए और फिर इन दोनों ने भी एक साथ जमकर खूब डांस किया। इन दोनों का डांस हर किसी को पसंद आया, लेकिन आपको बता दें इन दोनों को एक साथ देखकर हर कोई हैरान था। बल्कि क्रिकेट के भगवान यानी सारा तेंदुलकर के पिता सचिन तेंदुलकर भी दोनों को एक साथ डांस करते हुए देखकर पूरी तरह से दंग रह गए। उनकी आंखें तो फटी की फटी रह गई। वो सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर कैसे ये दोनों एक साथ इस बड़े समारोह में डांस कर रहे हैं। तो केवल इतना ही नहीं, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी इन दोनों को देखकर डांस करते हुए हैरान थे। लेकिन इन दोनों ने एक साथ इस समारोह में डांस कर चार चांद लगा दिए, बल्कि हर किसी का दिल जीत लिया। अब इन दोनों कपल का डांस सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा रहा है, बल्कि हर किसी का दिल जीत रहा है। हर कोई इन दोनों कपल के डांस को खूब पसंद कर रहा है। चारों तरफ शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर की डांस की तारीफ हो रही है। इन दोनों के फैंस डांस को बेहद पसंद कर रहे हैं। अंबानी परिवार के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए इतने बड़े इवेंट में खूब इंजॉय किया और अपने अपने तरीके से अनंत अंबानी के प्री वेडिंग समारोह में चार चांद लगाए। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर को एक दूसरे के साथ शादी कर लेनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अनंत अंबानी की शादी में चार चांद लगाने के लिए जैसे यशस्वी जायसवाल स्मृति मंधाना के साथ जामनगर पहुंचे, उन दोनों को साथ में देखकर तो धोनी से लेकर रोहित शर्मा और करोड़ स्मृति के चाहने वाले भी होश उनके उड़ गए। तो आखिर क्या साथ में जामनगर पहुंचे स्मृति और जायसवाल? आखिर क्या ये दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर चुके हैं? आखिर कैसे इन दोनों ने हाथों में हाथ डाले, पूरी महफिल में लगा दी आग? आखिर कैसे उन दोनों की वायरल तस्वीरों के बाद कैसे हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है? क्या है दोनों का खास रिश्ता? सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी और गिल में कौन दूसरा विराट कोहली बनने के लिए काबिल है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, क्रिकेट जगत में जहां एक तरफ इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज का रोमांच चरण पर है, वुमेन आईपीएल आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच सब चीजों को साइड में करते हुए देश के सबसे अमीर बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी ने पूरी दुनिया में जमकर महफिल लूटना शुरू कर दिया है। आखिर हो भी क्यों ना, अंबानियों का नाम ही लोगों के होश उड़ाने के लिए काफी है। और जब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो तब तो पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जहां गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट बहुत जल्द सात फेरे लेकर शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले 1 मार्च से 3 मार्च तक उनके ग्रैंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन को आयोजित किया गया है, जिसके लिए दुनिया भर से फिल्मी सितारों, सिंगर्स, क्रिकेटर्स, यहां तक कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे बिल गेट्स से लेकर मार्क जकरबर्ग ने जामनगर में एंट्री कर ली है। ऐसा कोई मशहूर चेहरा नहीं है जो अंबानी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने के लिए न पहुंचा हो। क्रिकेट जगत से भी सूर्य से लेकर धोनी, सचिन से लेकर डीजे ब्रावो जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों ने वेन्यू में पहुंचकर उनकी शोभा बढ़ाई है। लेकिन सबसे अधिक जिसे देखकर हर कोई हैरान हुआ वो थे यशस्वी जायसवाल और स्मृति मंधाना। जी हां दोस्तों, स्मृति मंधाना जिन्हें नेशनल क्रश के नाम से जाना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ वर्तमान भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े उभरते हुए सितारे यशस्वी जायसवाल। इन दोनों की जोड़ी यदि बन जाए तो क्या ही बात होगी। और ऐसा ही हमें देखने को मिला जब ये दोनों साथ में जामनगर पहुंचे। साथ में इन दोनों ने तस्वीरें क्लिक करवाई उन दोनों की नजदीकियां और करीबी देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में और प्यार के बंधन में बंध चुके हैं। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये दोनों साथ में क्यों जामनगर गए हैं, लेकिन जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे, जैसे ही उनकी तस्वीर सामने आई हर कोई हैरान रह गया। यहां तक कि खुद वहां मौजूद धोनी से लेकर रोहित भी उनकी जोड़ी को देखकर हैरान नजर आ रहे थे। किसी को भरोसा ही नहीं हुआ कि आखिर इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है। जहां अब उनकी तस्वीरें और वीडियो ने सोशल मीडिया में भूचाल ला दिया है, तो वहीं स्मृति मंधाना के चाहने वालों का दिल टूट गया है। हर तरफ केवल उनकी ही बातें हो रही हैं। तो अनंत अंबानी की शादी में चार चांद लगाने के लिए जैसे ही शुभमन गिल अपनी लेडी लक्सारा तेंदुलकर के साथ जामनगर पहुंचे, उन दोनों को साथ में देखकर तो सचिन, अंजलि, यहां तक कि पूरी तेंदुलकर फैमिली के होश उड़ गए। तो आखिर कैसे गिल और सारा ने साथ में जामनगर पहुंचकर पूरी दुनिया के सामने कर दिया अपने प्यार का इजहार।